नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष बाबा है। मैं जनरल लेप्रोस्कोपिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ यहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट के अंदर। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में, उनका नाम सुरेंद्र सिंह। वो पेशेंट हमारे पास आए थे एक्सीडेंट के बाद, उनका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था जिससे वो अपने बाइक से गिर गए। वो उनके पेट के साथ साथ उनकी हड्डियों में भी चोट थी। पेट का हमने सीटी करवाया, यहाँ पे सीटी करा के हमें पता चला कि उनके पेट और छाती के बीच में जो दीवार होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा छेद है जिससे सारी आँख उत्तर पेट से होते हुए छाती में जा रही है। इसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कुछ भी खाना खाते थे तो उल्टी आ रही थी बाहर, और उनका हवा वगैरह या नेटिंग के रास्ते कुछ हवा नहीं सरक, इसके कारण उनको बेसिकली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कहते हैं वो हो गया। तो हमने इमरजेंसी में उनका ऑपरेट करके पेट में चीरा देके पहले तो आंतों को वापस नीचे लेके आया, पेट के अंदर आके फिक्स किया। जो बहुत बड़ा पर्दा फटा हुआ था उनका, वो कम से कम छेद 8 से 9 सेंटीमीटर का छेद था, जिसको हमने थोड़ा सा साइड से और उसको अलग करके टांकों से बिना किसी टेंशन के उसके बंद किया, और उसके ऊपर हमें उसका स्पेशल तरह की, जिसको हम डोल या कंपोजिट मेश बोलते हैं, वो लगे। जो हमने उसको मेश को फिक्स किया वो हम टैकर्स और हमने वहाँ पे जाली टांकों के साथ फिक्स किए, जिससे उनके पेट और छाती के बीच की दीवार दोबारा बन गई। उनसे क्या हुआ, उनका अगले ही दिन ऑपरेशन थिएटर पे ही रादर उनका जो छाती फैल गई पूरी तरीके से, सांस लेने में जो उनकी दिक्कत, जो छाती में सांस के कारण प्रेशर में दिक्कत आ रही थी, वो प्रेशर नॉर्मल हो गए। अगले दिन उनको हमने खाना पिलाना शुरू कर दिया, अगले दिन चलना फिर तो रहे थे वो, और उसके बाद हमने छठे दिन उनको छुट्टी कर दी। मरीज़ आज भी हमारे पास आते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मरीज़ नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, और उनको सांस लेने में या खाने पीने में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी शिकायत नहीं। थैंक यू।